अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उस्मान सरवर। शुक्रिया आप सब लोगों का मेरा व्लॉग चैनल देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए। और अगर आप चाहते हैं इससे कोई बेहतरी हो तो आप मुझे कमेंट में लाजमी सजेशन दीजिए। आज का एजेंडा है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए जो भाई जाके पढ़ना चाहते हैं, लाइक जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड, इन डिफरेंट कंट्रीज के अंदर, इसके अंदर हमें क्या प्रोसीजर फॉलो करना है और किस तरह हमें अप्लाई करना है, उस बारे में मुतलिक मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। आइए मैं आपसे मिलवाता हूँ इंटरनेशनल स्टूडेंट, ये होते हैं जर्मनी में, ये मेरे कजन है, ये मेरे चाचू के बेटे भी मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं। ये अब आपको बताएंगे कि जर्मनी इन्होंने कैसे अप्लाई किया था, वहाँ के मुतालिक एक्सपेंसिस के मुतालिक ईच एंड एवरीथिंग, ये अब आप इस ब्लॉग में हमें बताएंगे। आइए आपको अपने गेस्ट से मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला। वालेकुम अस्सलाम उस्मान भाई। अब्दुल्ला, सबसे पहले आप मुझे ये बताइएगा, जो स्टूडेंट्स बाहर जाना चाहते हैं वो एजेंट्स के थ्रू अप्लाई करें या इंडिविजुअल खुद अप्लाई करें? देखिए, अप्लाई करना बहुत आसान है यहाँ पे, तो आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं और एजेंट्स के थ्रू भी। मैंने खुद अप्लाई किया था और मैंने कोई ऐसा मेजर एडवांटेज नहीं देखा जो आपको एजेंट से मिलेगा। सिर्फ ये होता है कि एजेंट आपके सारे काम कर देते हैं, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह आपको बता देते हैं, पर लेकिन एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन गूगल, तो आपके लिए निहायत ही आसान है अगर आप खुद भी अप्लाई करना चाहते हैं। और उसके बाद ये होता है कि बहुत इन रेयर केसेस कुछ एजेंट्स की यूनिवर्सिटीज का डील हुई होती है, तो अगर डेडलाइन पास हो गई है तो उनके लिए उस तरह एडमिशन करवाना कुछ स्पेसिफाइड यूनिवर्सिटीज में आसान होता है, पर लेकिन वो यूनिवर्सिटीज कोई आपको टॉप रैंकिंग में नहीं मिलेंगी, वो एक मेजर नॉर्मल सेट यूनिवर्सिटीज होती हैं। तो इट्स अप टू यू, अगर आप पैसे खर्च करना चाहते हैं, अगर आप काम चोरी करना चाहते हैं तो आप एजेंट से करवाएं, वरना इट्स टोटली ईजी टू अप्लाई फॉर योरसेल्फ। अच्छा, चलिए आप मुझे कहिएगा, आपने खुद अप्लाई किया था, किस तरीके का थ्रू आपने अप्लाई किया था? भैया, आप ना जब जर्मनी में अप्लाई कर रहे होते हैं आपने दो चीजों को देखना होता है, आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं या प्राइवेट में, क्योंकि वहां के मेजोरिटी की पब्लिक की कोई फीस नहीं है, ट्यूशन फीस नहीं होती, प्राइवेट कंपेरेटिवली मोर एक्सपेंसिव बट स्टिल चीपर देन ऑल अदर कंट्रीज। तो पब्लिक के लिए आप मोस्टली इस्तेमाल करते हैं एक एप्लीकेशन है यूनी असिस्ट, तो वहां पे यू मेक योर अकाउंट और आपको जो यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना है आप शॉर्टलिस्ट करें उनको और उधर ही अप्लाई करें, और एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन फीस होती है हर यूनिवर्सिटी की, वो पे करें। बाकी आपको जब एक दफा अप्लाई कर देते हैं यूनिवर्सिटीज आपको फर्दर ऑन ईमेल भेजते रहते हैं कि आपकी फिलहाल डॉक्यूमेंटेशन इज मिसिंग या फिलहाल चीज आपने भिजवानी है, तो आपको विद इन स्पेसिफिक टाइम आपका फिर वो जवाब भी आ जाता है। अच्छा, मुझे ये बताइए पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में क्या फर्क है? सबसे बड़ा फर्क तो पहले ये है कि फी का, और उसके बाद एक और बड़ी चीज है जर्मनी में, वो है लैंग्वेज की। मेजोरिटी जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं उनमें कुछ कोर्सेज जर्मन में, कुछ इंग्लिश में, पर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आपकी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं, कोशिश करती हैं, क्योंकि मेजोरिटी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ही पढ़ते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में, तो उनकी मेजोरिटी कोर्सेज इंग्लिश में होते हैं, तो आपको एक ये एडवांटेज होता है। मेजर आई थिंक सो यही एक सेटबैक है प्राइवेट यूनिवर्सिटी का कि फीस ज्यादा है, बाकी तो सब कुछ सेम ही है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी दोनों की सेम है, अपॉर्चुनिटी हर चीज सेम, कोई डिस्क्रिमिनेशन वगैरह नहीं मिलेगी आपको। अच्छा, मुझे ये बताइएगा जब आप जर्मनी जाते हैं उधर एक्सपेंसेस कितने हैं, उधर वर्क अपॉर्चुनिटीज कितनी हैं? तो यार, आप जब ना जर्मनी जा रहे होते हैं यहाँ से, तो आपको पहले एक ब्लॉक अकाउंट बनाना होता है, उसमें आप एक स्पेसिफाइड अमाउंट पे करते हैं। कितनी स्पेसिफिक अमाउंट होनी चाहिए? वो आजकल ज्यादा हो गई है, जब मैं कहता तो कम थी, आजकल 11,000 यूरो है, वो आपको ओवर द 12 मंथ आपको सारे पैसे वापस मिल जाते हैं, वो गवर्नमेंट ही रखती है अपने पास। वो सिर्फ एक इस तरह होता है कि गवर्नमेंट वॉन्ट्स टू बी श्योर कि आपके पास जब वहां जाएंगे तो एक साल के पैसे तो हैं कि आप सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो एक ये चीज होती है। तो उसके अलावा वर्क आवर्स हमें मिलते हैं पर वीक के हिसाब से 20 वर्क आवर्स मिलते हैं, ओवरऑल आप 240 हाफ डेज काम कर सकते हैं यानी कि 4-4 आवर्स के हिसाब से, और आप 120 फुल वर्किंग डेज काम कर सकते हैं। मुझे 240 जो आप बता दें ये इन अ ईयर बता दें? इन अ ईयर होता है, तो इन अ ईयर आप काम कर सकते हैं, पार्ट टाइम जॉब्स वगैरह अवेलेबल होती हैं, राइडर्स वगैरह की रेस्टोरेंट्स मिल जाती हैं आपको, और मेजोरिटी स्टूडेंट्स जो हैं वो ओवर द वीकेंड प्रेफर करते हैं कि काम मिल जाए, तो इट्स इजी टू गेट जॉब, बट लाइक इट्स नॉट वेरी इजी, अगर आपको थोड़ा हाथ पाऊं तो मारना पड़ेगा, अगर मिल जाती है तो फिर आप साथ में ना पढ़ाई को भी मैनेज कर सकते हैं और वो कर सकते हैं, क्योंकि इतना वर्किंग आवर्स आपको अलाउ नहीं होते, तो और उनकी वेज भी सही होती है कि आप इतना कर जाते हो कि आप अपना लिविंग निकाल जाते हो।
सर मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान स्टडीज और जर्मनी स्टडीज में क्या डिफरेंस है। पहली चीज तो ये अलग थी कि वहां अगर हम बैचलर्स की बात करें वो 3 साल का है और यहाँ पे 4 साल का है। मास्टर्स का ये भी होता है कि वहां पे ओवर द टाइम स्पेंड 2 साल का भी है, 1 साल का भी है और कुछ पार्ट टाइम भी है, आप थोड़ा एक्सटेंड भी करवा सकते हो, वो मसला नहीं है वहां पे। और ये है कि वो उनकी जो स्टडी है ना वो ज्यादा प्रैक्टिकल बेस्ड चीजें काफी करवाते हैं आपको, आपके प्रोजेक्ट्स वगैरह भी, जैसे मेरी फील्ड से जो रिलेटेड चीजें आईटी से रिलेटेड वगैरह वो सारा प्रैक्टिकल बेस्ड काम भी होता है, आपको इतना करवाते हैं कि आपके पोर्टफोलियो भी बन जाता है कुछ ना कुछ, और आपसे इंटर्नशिप्स करवाते हैं वो मैंडेटरी होता है, और जब आप इंटर्नशिप वगैरह करते हो तो आपके पास एक्सपीरियंस आता है और आपके लिए अप्लाई करना आसान होता है। और उसमें एक और अच्छी बात है कि वहां पे वर्किंग स्टूडेंट्स जॉब भी होती है इन रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट और योर मेजर, तो आपको एक ये बहुत फायदा होगा जब आप जाओगे क्योंकि आप एक प्रैक्टिकल काम सीख रहे होते हो अपनी डिग्री से रिलेटेड। यहाँ पे उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है, यहाँ पे समर इंटर्नशिप ज्यादा मिलती है पाकिस्तान में पर वर्किंग स्टूडेंट वाली ऑप्शन नहीं मिलती ना। तो मुझे ये बताइएगा जर्मनी जाने के लिए आई जरूरी है या टोफल करना जरूरी है? जर्मनी की मेन चीज जो रिक्वायर्ड होती है वो जर्मन लैंग्वेज है, अगर आपकी डिपेंडिंग अपॉन द यूनिवर्सिटी, अगर आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी या पब्लिक यूनिवर्सिटी में इंग्लिश कोर्स काम करें तब आईएलटीएस की जरूरत पड़ती है आपको। आईएलटीएस के मेरी आईएलटीएस के लिए मिनिमम बैंड 6 चाहिए होता है आई थिंक सो। मेरे लिए ये था कि मुझे बैंड नहीं चाहिए था, उसमें था कि मेरी सारी एजुकेशन इंग्लिश में थी और मेरे लेवल्स था वो लेवल्स था, तो उसमें साथ मेरी केमिस्ट्री ग्रेड चले गए थे। और कई बार आपके इंटरव्यू पे भी डिपेंड करते हैं, आपकी कन्वर्सेशन को अगर अच्छी लगे उसको कि लगे कि ही नोज इंग्लिश तो आप साइड्स नहीं भी मांगता, चाहे अगर आपकी उसकी रिक्वायरमेंट होगी तो इट इज लाइक नॉट अ मैंडेटरी थिंग, इट इज जस्ट एन ऑप्शनल। चले आज चलते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अब्दुल्ला से मुतल ये पूछ लेते हैं कि वीजा ड्यूरेशन का बता दें कि कितने अर्से में वीजा आपको मिल जाता है। देखिए जर्मन एम्बेसी का ना आजकल अपॉइंटमेंट समस्या होता है, वो अपॉइंटमेंट्स ओपन करते हैं, अगर आपको अपॉइंटमेंट्स मिल जाए टाइम से आप जो अप्लाई करते हैं स्लॉट्स मिनिमम होती हैं स्टूडेंट जानते हैं, तो अगर आपको मिल गई है वो आपको ईमेल भेज देते हैं कि फिलहाल दिन आपकी अपॉइंटमेंट है, अपॉइंटमेंट में अगर आपने सारे डॉक्यूमेंटेशन सबमिट कर दिए हैं तो आपको विद इन अ मंथ आपको वीजा दे देते हैं। पर सबसे बड़ा मसला ये है कि अपॉइंटमेंट लेना वो एक प्रॉपर एक वॉर है आपके लिए, आपको रात को 3-1 बजे जागने पड़ते हैं उठ के और वो स्पेसिफिक आवर्स होते हैं और बहुत मिनिमम स्लॉट्स हैं उनमें, अगर आपने अप्लाई कर लिया तो बढ़िया आपकी किस्मत बहुत काम आएगी उसमें। तो उस तरह अगर आपको एप्लीकेशन अपॉइंटमेंट मिल गई है तो फिर 1 मंथ इज मोर देन एनफ, अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब कुछ पूरी है। तो सिर्फ सबसे बड़ा मसला अपॉइंटमेंट का है जर्मनी का। थैंक यू अब्दुल्ला अपना कीमती वक्त देने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को इस चीज से बड़ा कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर किसी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है जर्मनी से तो आप मुझे काइंडली कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, और सेकंडली डू नॉट फॉरगेट लाइक एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू सो मच।